सांचौर जिला यथावत रखने को लेकर आज सांचौर में बंद का आह्वान किया गया। समस्त व्यापारियों ने सभी प्रतिष्ठान और व्यवसाय को बंद रखा। इसी के साथ निजी स्कूल, कॉलेज और निजी विद्यालय भी बंद। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के आगे छात्र गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो सांचौर में बंद का आह्वान, सांचौर बाजार पूरी तरह से बंद, स्कूल के आगे भी विरोध प्रदर्शन शुरू। तो सरकारी स्कूलों के आगे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही सांचौर कलेक्ट्रेट के आगे धरने में कई लोग शामिल होंगे। जिला यथावत रखने को लेकर इस बंद का आह्वान, चार दिन से सुखराम बिश्नोई कलेक्ट्रेट के आगे आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। तो सांचौर जिला यथावत रखने की लगातार मांग हो रही है और इसी के चलते सांचौर में बंद का आह्वान। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पुखराज बिश्नोई फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। पुखराज, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिला यथावत रखने को लेकर बंद का आह्वान किया गया है, प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों के आगे और कलेक्ट्रेट पर भी धरना प्रदर्शन और कई सारे लोग उसमें शामिल होंगे, क्या जानकारी? जी, मैं बता दूं कि जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे पिछले चार दिनों से पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई वो आमरण अनशन कर रहे हैं और जिला यथावत को लेकर उनके साथ भी करीब 20 लोग है वो बैठे हैं और कर्मी अनशन को लेकर उनके साथ 200-300 है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज पूरे सांचौर जिले में चक्का जाम को लेकर ऐलान किया गया था। इसको लेकर पूरा बाजार बंद है, सभी प्रतिष्ठान वगैरह बंद है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों ने भी अपने अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजने से मना कर दिया है। स्कूल के आगे ये दरवाजा गेट बंद करके वहां पर विरोध जता रहे हैं और अभी धरना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जी, अच्छा, सुखराम बिश्नोई भी आमरण अनशन पर हैं, तो उनसे कोई बातचीत हुई किसी की? जी, मैं बता दूं कि सुखराम जी ने जब सचिवालय से बात की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये जो सरकार है वर्तमान में, ये पहले जो जिले दिया वापस लेने की बात कर रहे हैं। जो इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भीलवाड़ा में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि कुछ जिले हैं जो मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उनको खत्म किया जाएगा। जैसे सांचौर है तो उन्हें सांचौर का जिक्र किया, जैसे सांचौर का नाम जिक्र आया तो, और उसके बाद जैसे IPS की तबादला सूची आती है तो सांचौर से जो SP को हटाकर दूसरे जिले में तबादला कर दिया जाता है, सांचौर का पद है वो रिक्त हो जाता है और सांचौर का जो SP का पद है वो दूसरे जिले के SP को दे दिया जाता। तब से यहाँ शंका पैदा हो गई कि भाई जिला जाने के कगार पर है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं, उसके बाद ही ये अपने आंदोलन में जुट गए और आज ये धरना स्थल पे बैठे हैं। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि जब तक सरकार लिखित में या जालोर वासियों, सांचौर वासियों को आश्वासन पूरी तरह से नहीं कर देगा, सांचौर जिला नहीं हटेगा, तो ही मैं यहाँ से आमरण अनशन पे हटूंगा, नहीं तो बैठा रहूंगा। और कल रात्रि जब डॉक्टर की टीम ने इनकी चिकित्सा जो इनकी मेडिकल जांच होती उसमें इनकी काफी तबीयत है वो नाजुक डॉक्टरों ने बताई, लेकिन फिर भी ये डटे हुए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो स्कूलों के आगे भी विरोध प्रदर्शन शुरू और बंद का आह्वान किया गया है। सांचौर कलेक्ट्रेट के आगे भी धरने में कई लोग शामिल हैं।